शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट गिवन बाय आर इज इक्वल टू ये आर की डेफिनेशन है आर के अंदर वो ऑर्डर पेयर्स आएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करे इज एन इक्वी रिलेशन आपको शो करना है कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है दैट मीन्स आपको शो करना है कि आर आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन वन से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सेट बताओ इन शॉर्ट ये आपसे चाह रहे हैं कि आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन बताएं हमने कहा ठीक है इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट है सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करते हैं देखो जरा ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि यार सेट ए आपके पास है ठीक है सेट ए कैसा है उसको मैं बना लेती हूँ सेट ए के अंदर क्या रखे हैं वो सभी एक्स रखे हैं जो इंटीजर है लेकिन आगे ने ये भी बोला है कि आपका जो x है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन और इक्वल टू ट्वेल्व मतलब जीरो से लेकर बारह के अंदर रखे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंड सो ऑन करते हुए ट्वेल्व ओके दिस इज योर सेट ए अब इस सेट ए पे एक रिलेशन डिफाइन है आर तो मैं लिख देती हूं आर ए पे डिफाइन है इसका मतलब आर मेरा ए सेट से ए सेट की तरफ जा रहा है ओके okay, जी फिर आर के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी है लिख लो यहाँ पे आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी रखे जाएंगे और वो ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी ही रखे जाएंगे आर के अंदर जो इस कंडीशन को फुलफिल करे अभी कंडीशन क्या है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ फोर ठीक है मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ फोर तो अगर ये कंडीशन हो जाती है राइट right, तभी आपके ए बी आर में होंगे अच्छा इस कंडीशन को अपन थोड़ा मैथमेटिकली लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं कि R के अंदर वो सभी ऑर्डर्ड पेयर ए बी आएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करे कंडीशन क्या है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ फोर इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू फोर एन वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर राइट इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं है ना मल्टीपल ऑफ फोर को ऐसा लिख सकते हो अब वो सभी ए बी जो ये कंडीशन को फुलफिल करता है वो सभी ऑर्डर पेयर्स ए बी आर के अंदर होंगे ये आपका क्वेश्चन है जिसे मैंने डी कर दिया अब फटाक सीधे आप इसका रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे सिमेट्रिक शो करेंगे एंड ट्रांजिटिव शो करेंगे अगर ये तीनों है तो आपका रिलेशन कैसा हो जाएगा इक्वी रिलेशन हो जाएगा तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिख दिया है चलो इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं अच्छा रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको इस सेट में से आर्बिटरी एलिमेंट को पिक करना होगा ठीक है वाई फ्रॉम दिस सेट सेट क्योंकि रिलेशन आपका इस सेट पे डिफाइन है है एक आर्बिटरी एलिमेंट को पिक करो अगर ये वाली कंडीशन हो जाती राइट right, तो ए कॉमा ए अगर आपको आर में मिल जाता है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा सबको याद है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन चलो लगाते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आप लिखेंगे एक काम कीजिए लेट लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए अब इसके अंदर इतने सारे एलिमेंट है जीरो से लेके ट्वेल्व तक तो मैं आर्बिटरी एलिमेंट ले रही हूं ठीक है सो लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए ये मेरा कोई आर्बिटरी एलिमेंट है ठीक है आर्बिटरी एलिमेंट क्या होता है मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में पूरा बताया है सो लेट ए बिलोंग्स टू ए इज एन आर्बिटरी एलिमेंट अब आपका सपना है कि कैसे भी करके ए कॉमा ए आपको आर में मिल जाए अब ए कॉमा ए तो आर में आपको तभी मिलेगा जब ए माइनस ए का मोड मल्टीपल ऑफ 4 हो तो मैंने कहा ठीक है यहाँ पे नॉर्मली अपने आप से बात करते हैं अपन ठीक है अपन क्या बातें करेंगे कि मॉड ऑफ अपन कहेंगे यहाँ पे कि मॉड ऑफ ए माइनस ए क्या होगा जी जीरो होगा कोई समस्या है ही नहीं मॉड ऑफ ए माइनस ए क्या होगा जीरो होगा एंड डेफिनेटली मॉड ऑफ ए माइनस ए टू जीरो इज वॉट इट इज मल्टीपल ऑफ फोर ये तो चार का मल्टीपल है है ना इट इज मल्टीपल ऑफ फोर मॉड ऑफ ए माइनस ए जीरो इट इज मल्टीपल ऑफ फोर अरे अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ फोर है तो ए कॉमा बी ए कॉमा बी आर में मिलता है तो अगर मॉड ऑफ ए माइनस ए मल्टीपल ऑफ फोर है दैट मीन वॉट कि ए कॉमा ए आपको कहाँ मिलेगा जी आर में मिलेगा और अगर कोई कंडीशन आर्बिटरी एलिमेंट के लिए ट्रू होती है तो आपके सेट के अंदर रखे हर एक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी मतलब हर एक एलिमेंट का डबलेट आपको आपके रिलेशन आर में मिलेगा तो यहाँ पे आप लिख देंगे देयर फोर फॉर ऑल ए दिलोंग्स टू सेट ए ए बिलोंग्स टू आर देयर फोर आर इज रिफ्लेक्सिव आर कैसा रिलेशन है आपका आर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के बाद अब अपन चलेंगे सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं किसी को याद है क्या कंडीशन मैम एक ऑर्डर्ड पेयर को आर में लेके चलते हैं अगर उसका उल्टा भी आपको आर में मिल जाएगा तो रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा बिल्कुल सही कहा तो चलो जी एक ऑर्डर्ड पेयर को अपन जल्दी से आर के अंदर लेके चलते हैं तो हम कह देंगे यहाँ पे कि इफ ए b बी बिलोंग्स टू आर और हम बता भी देंगे कि ये जो छोटे छोटे ए बी है ना ये आपने कहां से उठाए है सेट ए से उठाई है और अगर आपका ए बी r में है राइट इफ ab बिलोंग्स टू r ये आप लेके चल रहे हो अगर आपको ba बिलोंग्स टू r मिल गया तो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा मैंने कहा ठीक है थोड़ा होल्ड पे रखते हैं इसको अगर आपका ab r में है तो ये r में कैसे आया होगा जब इसने r में आने के लिए कंडीशन जो गिवन थी उस कंडीशन को फुलफिल किया होगा तो कंडीशन क्या थी कि मोड ऑफ a minus b

हमको तो मजा आ गई क्यों क्योंकि अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी चार का मल्टीपल होता है तो ए बी आर में होता है लेकिन अगर मॉड ऑफ बी माइनस ए चार का मल्टीपल है दैट मीन्स बी कॉमा ए कहां मिलेगा आर में मिलेगा क्योंकि वो ही ऑर्डर्ड पेयर आर में आएगा जो कंडीशन को फुलफिल करे कंडीशन क्या थी कि मॉड ऑफ ए माइनस बी शुड बी मल्टीपल ऑफ फोर तो ए बी आर में है लेकिन अगर मॉड ऑफ बी माइनस ए मल्टीपल ऑफ फोर है तो बी ए कहाँ होगा आर में होगा आप ए बी को आर में लेके चले थे आप बी ए को आर में लेकर आ गए दैट मीन्स वॉट आप लिखेंगे आर इज सिमेट्रिक आर कैसा रिलेशन है आर तो आपका सिमेट्रिक रिलेशन है ठीक है सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया अब हम जाके प्रूव करेंगे कि आर हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं तो बच्चा ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं मैम ट्रांजिटिव के लिए दो ऑर्डर पेयर को आर में लेके चलते हैं अच्छा वो दो ऑर्डर पेयर कैसे होने चाहिए कि मैम पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट एंड दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट शुड बी सेम उन्हें आप आर में लेके चलोगे और वो जो एलिमेंट है राइट right, मैं आपको लिख के दिखाती हूं कैसा कि अगर आपका ए बी आर में है ये आप लेके चलोगे एंड अगर आपका बी कॉमा सी भी आर में है ये दोनों आर में लेके चलना ये बी भी उड़ जाए अगर आपको ए सी आर में मिल जाता है तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होता है राइट तो बस अब हम यही काम करेंगे और इसको फिनिश करेंगे तो ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए बच्चे आप दो ऑर्डर्ड पेयर्स को आर में लेके चलना ठीक है तो आप कैसा लिखेंगे यहां पे आप लिखेंगे कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड B, comma, C belongs to R. ठीक है जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को ये राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आओ तो हम क्या लिखेंगे इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर ये लेके चलना चाहो तो यहां पे बता दो कि ये ए बी सी आपने कहाँ से उठाए हैं ये ए बी सी आपने सेट ए से उठाई है ठीक है अब ए बी अगर आर में है तो भाई ऐसे ही तो आर में नहीं आया होगा इसने डेफिनेटली आर में आने के लिए जो कंडीशन होती है उसे फुलफिल किया होगा सो मॉड ऑफ ए माइनस बी हमेशा चार का मल्टीपल रहा होगा तभी ए बी आर में है मैंने कहा अच्छा जी तो अगर ये मॉड ऑफ ए माइनस बी चार का मल्टीपल है राइट ए बी अगर आर में है मेरा बी सी भी तो आर में है भाई अगर आर में है तो डेफिनेटली मॉड ऑफ बी माइनस सी भी क्या रहा होगा चार का मल्टीपल रहा होगा है ना जी अब फिर आप लोग एक छोटी सी एक छोटा सा रिजल्ट है उस रिजल्ट को जानते हो क्या कि मॉड ऑफ एक्स अगर ए है तो बेटा एक्स क्या होता है प्लस माइनस ए होता है राइट अब मुझे कैसे भी करके ए सी को आर में लाना है मतलब मुझे यहाँ पे जो ये बी रखे हैं उन बी को उड़ाना है तो बी मैं कैसे उड़ाऊंगी सबसे पहले मुझे इन्हें मॉड्यूलर से फ्री करना होगा तो उसके लिए मेरे पास ये रिजल्ट होता है मैं इस रिजल्ट की हेल्प लूंगी ठीक है जी क्लियर है ये मैंने आपको लाइव सेशन में भी क्लियर करवाया था एक बार ओके सो आई होप ये क्लियर है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो जी सो मॉड ऑफ ए माइनस बी को मैं कैसा लिख सकती हूँ इसे मैं लिख सकती हूँ दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर एन है ना और इसको मैं कैसा लिख सकती हूँ कि b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर एम यहाँ पे मेरे n और m कहा बिलोंग करते हैं इन टीचर की फैमिली को बिलोंग करते हैं ये पहले ही मैं आपको बता चुकी हूं ठीक है नाउ दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू हम क्या करेंगे हम अपनी इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को एड करेंगे जब भी एड करते हैं तो एल एच एस एल एच एस से एड होता है आर एच एस आर एच एस से एड होता है तो ये क्या बनेगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी एल एच एस एल एच एस से एड हो गया प्लस माइनस चार बेटा कॉमन ले लो और ये हो जाएगा एन प्लस एम ठीक है अब यहाँ पे माइनस बी से प्लस बी जा रहा है तो आपको क्या मिला ए माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर एन प्लस एम अब वो ही कहानी है ये प्लस माइनस हटेगा तो यहाँ पे मॉड बन जाएगा तो आओ यहाँ पे मॉड्यूल बना दे सो दिस बी मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इक्वल टू फोर एन प्लस एम भाई ये जो भी है चार का मल्टीपल है क्योंकि फोर इंटू समथिंग है कि आपको मोड ऑफ ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ फोर दिख रहा है और हमें पता है अगर मोड ऑफ ए माइनस सी मल्टीपल ऑफ फोर है तो डेफिनेटली मेरा ए सी कहाँ बैठेगा मेरा ए सी आर में बैठेगा और हमें पता था ए बी आर में है बी सी आर में है बीबी उड़ जाए ए सी अगर आर में आ जाता है तो आर कैसा रिलेशन हो जाएगा आर आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन फिनिश हो गया है नो no, मैम अभी ये क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है इनने कहा था इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करो तो हम लास्ट में एक लाइन चिपकाएंगे सिंस माय रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देयर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इसके बाद इन लोगों ने आपसे कहा था कि आप हमें बता दीजिए सेट ऑफ ऑल दो एलिमेंट्स विच इज रिलेटेड टू वन ओके दैट मीन्स ये आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें इक्वी वेलेंस क्लास ऑफ वन बता दें तो मुझे आई होप आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को ना एक फॉर्मूला सिखाया था इक्वी वेलेंस क्लास फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या था कि इक्वी वेलेंस क्लास ऑफ ए अगर चाहिए तो ये क्या होगा इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल दोज एक्स विच बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट एक्स कॉमा ए बिलोंग्स टू आर अब अगर ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन बोलते हैं तो एक की जगह पे वन डाल दो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो कहते हैं तो एक की जगह पे जीरो डाल दो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री कहते हैं तो एक की जगह पे थ्री डाल दो अगर ये कहते हैं फाइंड ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू जीरो तो यहाँ पे जीरो डाल दो फाइंड ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन तो यहाँ पे वन डाल दो फाइंड ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू थ्री तो एक की जगह थ्री डाल दो एक फॉर्मूला है आपको अनेक आंसर मिल जाएंगे आई होप ये क्लियर है चलो भाई अभी सबसे पहले तो आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन बताना है तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन में अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, तो मुझे क्या मिल जाएगा ये जनरलाइज फॉर्मूला है राइट right? एक ही जगह पे वन है यहाँ पे आप लिखोगे इट इज अ सेट ऑफ ऑल दो एक्स व्हिच बिलोंग्स टू माय सेट ए क्योंकि इसी पे रिलेशन डिफाइन था सच दैट एक्स कॉमा ए मेरा ए कौन है वन तो एक्स कॉमा वन बिलोंग्स टू आर ठीक है क्लियर है सबको सो आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है मैं इस फॉर्मूले को हटा देती हूँ ठीक है हमने जनरलाइज करके लिख दिया अब फटाफट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन निकाल लो या फिर ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन निकाल लो कैसे निकालेंगे देखो जी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन इज इक्वल टू इट इज सेट ऑफ ऑल दो एक्स विच बिलोंग्स टू पेयर आर में कब आएगा ऑर्डर पेयर में तब आएगा जब इज मल्टीपल ऑफ हो है ना जब ये मल्टीपल ऑफ फोर होगा तभी तभी एक्सन आर में आएगा ठीक है आपको ये x कहां से उठाना है सेट ए से उठाना है सेट ए में एलिमेंट जीरो से लेके बारह तक है तो कुछ मत करो यहाँ पे आप सेट ए के जो एलिमेंट है एक एक को रख के देखो अगर मल्टीपल ऑफ चार आ रहा है तो वो जो एक्स है राइट right, वो आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन हो जाएगा ठीक है तो सेट ए के अंदर स्टार्टिंग एलिमेंट जीरो पे रखूंगी तो वन इज मल्टीपल ऑफ फोर नहीं होता ठीक है अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी यहाँ पे ओके okay, अगर मैंने यहाँ पे वन रखा तो वन माइनस वन क्या आ रहा है जीरो जीरो इज मल्टीपल ऑफ फोर येस तो मेरा एक्स जाएगा टू रखूंगी तो टू माइनस वन वन क्या वन मल्टीपल ऑफ फोर है नहीं तीन रखूंगी तो दो आएगा दो चार का मल्टीपल नहीं है ठीक है चार रखूंगी तो तीन आएगा वो भी नहीं है पांच रखूंगी तो क्या आएगा जी फाइव माइनस वन इज फोर एंड फोर इज अ मल्टीपल ऑफ फोर राइट इसके बाद सिक्स रखती हूं तो सिक्स माइनस वन फाइव नहीं है चार का मल्टीपल सेवन रखेंगे तो सेवन माइनस वन सिक्स नहीं है एट माइनस वन सेवन मल्टीपल नहीं होगा अगर मैं नाइन रखती हूँ तो नाइन माइनस वन बेटा एट होगा ठीक है नाइन माइनस वन क्या होगा अच्छा यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो अपन ने ना एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है इस मिस्टेक को एक बार ध्यान से देखना बच्चे अगर x की जगह पे जीरो रखा ना तो जीरो माइनस वन इज वन एंड वन इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ फोर इसके लिए मैंने आपसे कहा था देखो आप बेसिकली आप बेसिकली x कहाँ से उठा रहे हो क्या किसी को कोई डाउट होता है क्या अगर डाउट होता है तो बेटा x आप सेट a से उठा रहे हो है ना सेट a में जीरो था जीरो से लेके बारह तक x की जगह पे जीरो रखा अगर जीरो माइनस वन मॉड ऑफ माइनस वन इज वन क्या वन चार का मल्टीपल है नहीं तो एक्स आपका जीरो नहीं हो सकता एक्स की जगह पे वन रखो राइट तो वन माइनस वन इज जीरो जीरो चार का मल्टीपल है हाँ तो आपने एक्स क्या रखा था वन तो यहाँ पे रखोगे वन ठीक है इसके बाद टू थ्री फोर के कुछ नहीं होगा फाइव रखो तो हो जाएगा फाइव माइनस वन चार होगा ठीक है सिक्स रखोगे कुछ नहीं होगा सेवन एट नाइन हाँ नाइन रखोगे तो हो जाएगा काम टेन माइनस वन नो है ना इलेवन माइनस वन नो ट्वेल्थ माइनस वन नोट तो बस यही है आपकी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन या फिर इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू वन सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है बहुत अच्छे से समझना इट्स हाईली इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम इसके बाद चलते हैं बच्चों और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ टिल देन टेक केयर